तो दोस्तों YouTube चैनल के लिए आपको प्रोफेशनल थंबनेल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आपके वीडियो के लिए महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो थंबनेल है वो बहुत ही कैचिला होना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए आज मैं आपको एक ऐप्स बताऊंगा जिस पर आप प्रोफेशनल थंबनेल को बड़े ही आसानी से उसमें बना सकते हैं। बड़े ही आसानी से पिक्सललैब जो ऐप है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसको इंस्टॉल भी कर लिया है। इस ऐप्स को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ऐप्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें बैकग्राउंड का ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो। अलग अलग बैकग्राउंड दिया हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ से आपके हिसाब से कोई भी एक बैकग्राउंड ले लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने ये एक बैकग्राउंड ले लिया है, तो यहाँ से आप अपने थंबनेल के ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से टेक्स्ट लगा लीजिएगा। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया है। तो उसके बाद हमें ओके कर लेना है। तो इस प्रकार से टेक्स्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमारा ये जो पहले वाला है तो उसको इस प्रकार से हम डिलीट कर लेंगे। फिर आते हैं वापस उसी ऑप्शन पर। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हमें साइज़ को ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों YouTube थंबनेल का, तो सीधा ही आप YouTube थंबनेल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको इस प्रकार से आ जाएगा 1280x720। फिर इससे ओके कर दीजिएगा। ये हो गया हमारे YouTube के लिए थंबनेल। इस प्रकार से हमें ले लेना है टेक्स्ट को। उसके बाद दोस्तों आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। फिर यहाँ से साइज है तो आप छोटी या बड़ी साइज ले सकते हैं। फिर यहाँ से दोस्तों आपके टेक्स्ट के अंदर कलर देने के लिए हैं, तो यहाँ से हम कलर दे देंगे। तो यहाँ से आप जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने तीनों में अलग अलग कलर दे देता हूँ। तो यहाँ से ये ग्रीन हो गया। उसके बाद ये रेड हो गया। सॉरी दोस्तों, ये देखिए रेड हो गया। उसके बाद में इसको आप और कोई कलर दे दीजिएगा, जैसे कि मैं आपके हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं, ये ले लेते हैं। और इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हो, इसको इस प्रकार से रख सकते हो। तो मैं अभी जैसा है वैसा ही रख देता हूँ इसको। फिर आप फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हो अलग अलग प्रकार का, इस प्रकार से जो भी आपको अच्छा लगे। मैं इसको ही ले लेता हूँ। तो ये ले लिया मैंने। उसके बाद टेक्स्ट के जो पीछे आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, ये देखिए। और बैकग्राउंड का भी अलग अलग कलर दे सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए। तो अभी मैं नहीं चाहूँगा इसमें कलर देने के लिए। फिर हमारा जो टेक्स्ट है उसको राइट, लेफ्ट या सेंटर में दे सकते हैं। तभी मैं सेंटर में ले लेता हूँ इस प्रकार से, और राइट कर देता हूँ। यहाँ से आप 3D भी दे सकते हैं इस। तो यहाँ से आप स्टिकर भी ले सकते हैं अलग अलग प्रकार के। तो इस प्रकार से आप कोई सभी स्टिकर ले सकते हैं।
आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद में आता है ऑप्शन ड्राइविंग का, तो इसमें आप अलग अलग प्रकार का ड्राइविंग दे सकते हैं। इस प्रकार जो भी लिखना है यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे आप इंपोर्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से आप इमेज को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, इसे रेड करूँगा। तो इस प्रकार से आप छोटा कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ से आप शार्प भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के शार्प दिए हुए हैं, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं हटा देता हूँ इसको। और आगे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इसके अंदर वो जो हमारे बैकग्राउंड है उसमें कलर चेंज करने के लिए दिया हुआ है, तो आप इस प्रकार का कलर दे सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, आप इस प्रकार का भी दे सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड है, तो आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड दे दीजिएगा। तो इमेज साइज़ का जो दिया हुआ है यहाँ से हम इमेज की साइज़ को बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था इस प्रकार से। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। फिर ये जो है इमेज का, तो यहाँ से डायरेक्ट आप इमेज ले सकते हैं। और दूसरी ये देखिए इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया बढ़िया, यहाँ से बहुत ही अच्छा थंबनेल बनेगा दोस्तों यूट्यूब के लिए। और ये दिया हुआ है फ्रॉम गैलरी, यहाँ से आपका पूरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा हट गया है और सिर्फ आपके टेक्स्ट और ये इमेज ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से अपने हिसाब से थंबनेल बना दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा थंबनेल बनता है और इसके अंदर जो कलर है वो बहुत ही अच्छा दिखता है दोस्तों। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है और आपके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। और आगे आते हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना दोस्तों। दोस्तों उससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाएगी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से सेव कर लेना है, तो ये जो आइकॉन दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे, तो सेव एज इमेज लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कस्टमर का, तो यहाँ पे आप किस साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रा, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, जो भी आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे अल्ट्रा कर लेता हूँ। ध्यान रखिए दोस्तों 2 MB से ज़्यादा आपका थंबनेल की साइज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप बेहतर वेरी हाई में ही करें, क्योंकि अल्ट्रा में करेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ से सेव टू गैलरी कर लीजिएगा दोस्तों, तो ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन होते हैं उनको बताने का पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा ट्यूटोरियल बताए तो नीचे आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा इसका पूरा ट्यूटोरियल बनाने का। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर मैं पूरा फंक्शन को आपको बताऊंगा, जो मेन जो फंक्शन है उसको मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान।